बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए रिलायंस कंपनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। फ्री कॉल्स, इंटरनेट स्पीड और अब फ्री में जियो 4G फोन देकर मार्केट में धमाल मचाया हुआ है। आलम यह है कि रिलायंस के इन धमाकेदार ऑफर से संचार कंपनियां पस्त हो रखी हैं। लेकिन इस बार एयरटेल ने रिलायंस को पछाड़ दिया है। दरअसल ब्रॉडबैंड स्पीड जांचने वाली फर्म ओपन सिग्नल की एक रिपोर्ट ने रिलायंस को तगड़ा झटका दिया है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट ने दावा किया है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में एयरटेल के आगे रिलायंस कहीं नहीं टिकता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि न सिर्फ 4G स्पीड बल्कि 3G और बाकी मापदंडों पर एयरटेल सबसे आगे है, या फिर यूं कहें कि एयरटेल को अव्वल बताया है। एयरटेल की औसतम स्पीड 56.6 Mbps की है, जो कि इसकी औसत डाउनलोड स्पीड 11.5 Mbps से 5 गुना ज्यादा है। वहीं अगर जियो की बात करें तो कंपनी ने बताया कि जियो का नेटवर्क ओवरलोडेड हो गया है। नेटवर्क कंजेक्शन की वजह से जियो धीमा हो रहा है, क्योंकि दूसरे सेवा प्रदाताओं की तुलना में इससे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट से साफ है कि भले ही ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए रिलायंस ने एक से बढ़कर एक उपाय किए हो, लेकिन इंटरनेट स्पीड के मामले में इस बार एयरटेल ने रिलायंस जियो को पीछे छोड़ दिया है। NMF News की रिपोर्ट।